हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना खान। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करूँगी फॉरगॉटन मूवी। ये कोरियन मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है और इसका 7.5 IMDb रेटिंग है। 87% गूगल यूजर्स इसे पसंद करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स। फॉरगॉटन मूवीज जो है वो एक किडनैपिंग से स्टार्ट होती है, जहाँ पे दो भाई हैं और एक भाई की किडनैपिंग हो जाती है। और जब वो रिटर्न होता है वहाँ से, तो उसकी लाइफ जो है वो पूरी बदल जाती है। चारों तरफ उसके लोग, उसकी फैमिली वही है, ज़िंदगी वही है, लेकिन उसकी याददाश्त खो जाती है और वो कुछ भी उसे याद नहीं है। और किस तरह वो ये किडनैपिंग जो पूरा जो स्टेज किया गया था, ये इसके पीछे भाग के किस तरह बहुत सारे सीक्रेट्स को बाहर करता है। ये एक थ्रिलर मूवी है और ये आपको पूरे टाइम एंगेज्ड रखेगी। अगर गुड की बात करें तो ये इसमें अमेजिंग स्टोरी लाइन है। आप, मैं ज़्यादा नहीं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहती, लेकिन स्टार्टिंग से ही जस्ट कुछ मिनटों के बाद ही ये मूवी जो एक पेस पकड़ती है, जो स्पीड पकड़ती है, और ये मूवी आपको पूरी तरह से एक वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक थ्रिलर का एक्सपीरियंस देती है। और यहाँ पे जो है बैड, अगर देखें तो बैड तो कुछ भी नहीं लगा। परफॉर्मेंस से लेके प्रेजेंटेशन से लेके डायरेक्शन से लेके सब कुछ ही टॉप नॉच है। बहुत ही बढ़िया मूवी है, थ्रिलर मूवी है, थ्रिलर जॉनर में पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें एक सोशल मैसेज भी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंस सारे एक्टर्स की जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके डायरेक्टर जो हैं जेंग हैंग जून, वो जो हैं, और ये मूवी जो है आपको नेटफ्लिक्स पे कोरियन लैंग्वेज की मिलेगी, लेकिन आप सब टाइटल्स के साथ इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। रेकमेंड, ऑब्वियसली 100% रेकमेंडेड, आप इसे मिस ना करिए। एक ऐसी थ्रिलर मूवी है जो आपको एक मिनट भी बोर होने नहीं देगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करें अगर आपको ये आपने ये मूवी देख ली है और आपको कैसी लगी, या कोई भी और मूवी जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं। और आप बताइए कि आपको इस मूवी में क्या पसंद आया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।